कब तक हम पीटे जाएंगे, कब तक हम पलायन होंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है नीतीश जी, और मैं तेजस्वी जी को चैलेंज करता हूँ। तेजस्वी जी, या तो आप पद छोड़ दीजिए या तो हम राजनीति छोड़ दें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अपनी पूरी पार्टी और हाईकोर्ट के जज से बैठा लीजिए और जाइए पूनर यादव से लेकर के जमुई में, मैं उसकी विधवा आज अखबार में छपी हुई है, पूरा का पूरा हेड न्यूज है कई अखबारों में। वो जिस वक्त उसकी पत्नी को फोन किया गया, कह रहा है बचा लो हमको, मार देगा, और उसी वक्त मार दिया गया। आप किसकी सुनेंगे? आप बिहार की आवाज सुनेंगे कि तमिलनाडु में जाकर के केक काटने का? और आप क्षमा क्यों नहीं मांगे? क्षमा गए मांगे तो आप स्टेज पर क्षमा मांगे? आप क्षमा बिहारियों के लिए मांगते? आप जाते जाकर के रूप में जाकर के देखते कि वहां बिहारी मर रहा है कि नहीं मर रहा? हर चीजों में भाजपा भाजपा इसके दोषी हैं। बंगाल में कोई घटना घटती है, केंद्र तुरंत हस्तक्षेप करती है। 15 दिनों से बिहारी पीटे जा रहे हैं भाजपा वाले, केंद्र वाले। एक बार आपने कभी बातचीत तक नहीं की? भाजपा मेरा पैसा रोका हुआ है, भाजपा फैक्ट्री के लिए पैसा नहीं दिया। लेकिन तेजस्वी जी, आप जो रात में ट्वीट किए हैं, 10 दिनों के बाद कहां खोए हुए थे? कौन सा राजभाग बना रहे थे? सियासत के बिना बिहारी के आप सियासत कर लेंगे? जाति के आधार पर बिना बिहारी के सियासत होगी? सत्ता में आ जाएंगे? और वो कहां है फर्स्ट बिहारी, वन बिहारी, जो नाटक करते हैं सब लोग? और आप ट्वीट कर दिए कि ये गलत है, इसका मतलब है कि आपकी आत्मा सिर्फ सत्ता में है, बिहारी में नहीं है, और आपको माफी मांगनी चाहिए। एक नहीं, लगभग लोग पलायन करके भाग के आ रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। सरकार के दबाव में डीजीपी ने वहां का बयान दिया, हम आज हर जिले में परिवाद करेंगे, हमारी पार्टी हर जिले में केस करने जा रही है। कल 4 तारीख को हम लोग धरना देने जा रहे हैं पटना में, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सत्याग्रह भी करेंगे, और जहां तमिलनाडु के लोग होंगे उसके आगे बैठेंगे कि हमारे बिहारी को पहले सेव करो। हम मारेंगे नहीं, हम अपमान नहीं करेंगे, मेरा संस्कार नहीं है, ये बिहारी का तहजीब नहीं है। बिहारी हमें से मरने के लिए जाना जाता है, भारत के निर्माण के लिए जाना जाता है, और हमें ही मारते हो। कोरोना में मेरी बिजली पानी काट दी, हमको 2200 किलोमीटर पैदल चलवा दिए, 1400 किलोमीटर पैदल चलवा दिए, हमें ट्रेन तक नहीं मिली। फिर वही बिहारी का लात मुक्का खाए, जुतम जुतम खा लिए। हमने कहा वोट नहीं देंगे, फिर हम एनडीए को, नरेंद्र मोदी को वोट दे दिए, जिसके चलते हम रोड पैदल आए। आखिर बिहारी का आत्मसम्मान जगता क्यों नहीं है? स्वाभिमान जगता क्यों नहीं है? कब तक जाति धर्म के आधार पर हम लात खाएंगे? कब तक गालियां सुनेंगे? कब तक हम आंसू बहाएंगे? कब तक अपने घर माँ बाप को छोड़ करके बाहर रहेंगे? कब तक बिहार का पैसा दूसरे स्टेट को डेवलप करेगा? कब तक बिहार के लोग अपने क्षेत्र को डेवलप नहीं करके जाकर के साउथ को अन्य जगह डेवलप करेगा? इसके सबसे बड़े दोषी पॉलिटिकल सिस्टम। बिहार को चाहिए इकोनॉमिकल फ्रीडम, और नेता देते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम। नहीं चाहिए पॉलिटिकल फ्रीडम की आवश्यकता नहीं है बिहार। मैं लगातार 5वां ट्वीट किया हूं आज, शुरू से 15 दिनों से लेकर आज तक हर दिन मैंने कहा, सीतामढ़ी से लेकर हर जगह। रात रात भर फोन आता है मुझे, रो रो के कहता है कि भैया बचा लीजिए, भैया मेरी बीवी अकेले है, भैया मेरे बच्चे भी लग जाएंगे, भैया मेरी मां मर जाएगी। 1000 फोन आता है एक दिन में। मस्त है, केक काटने चले गए, कोई लेना देना नहीं, काट रहे काटिए केक, लेकिन पूछ तो लेते स्टालिन जी से, जिस स्टेट या तो आप जाते नहीं गए तो आप समाधान निकालते। इसलिए ये नहीं होगा, हमेशा राजनीति, हमेशा पॉलिटिकल अप्रोच। कब तक हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी इसको सीरियस लेने की जरूरत है। और तेजस्वी जी, गलत ट्वीट है, आप क्षमा करिए,
और जाइए आप फिर से तमिलनाडु, जहां आपके दोस्त हैं उनसे बात करिए। इंग्लिश हिंदी में बोल के सबको राइट है, लेकिन आप पहले अपने लोगों की हिफाजत करने का राइट सीखिए। इसलिए तो हम संन्यास लेंगे, या तो तेजस्वी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, यदि बिहारी 3 दिनों के अंदर दर्जनों बिहारी ना मारे गए हो तो, और जो मारे गए उस परिवार को मुआवजा दीजिए। नीतीश जी, दूसरा तरफ कल पटना के डॉक्टर की किडनैपिंग हो गई, उठा के लेके चले गए। कब तक नीतीश जी हालात हम देखे, कब तक दोहराएंगे? भट्टी जी दोहराइए मत, मारिए, जेल में ढुक के मारिए, घर में ढुक के मारिए, अपराधियों को मारिए, किडनैपर को मारिए। यदि हमें जीने का अधिकार छीनता है तो उसको भी जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हम 48 घंटे के अंदर डॉक्टर की रिहाई की मांग करते हैं हर कीमत पे, अन्यथा तमिलनाडु और इस मुद्दों को लेकर हम जरूरत होगी तो बिहार बंद करेंगे, जरूरत होगी तो तमिलनाडु भवन घेरेंगे दिल्ली में, और जरूरत होगी तो तमिलनाडु भी कुछ करेंगे हर कीमत पर।